दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के लिए रफाइल एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स की डील को काफी लोग जानते हैं और उसको काफी मीडिया अटेंशन में मिली है। दोस्तों हमेशा की तरह लोगों ने नई सबमरीन की डील्स को इग्नोर कर दिया। हमेशा की तरह इंडियन नेवी और उसकी सबमरीन की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और ये 3 स्कॉर्पियन सबमरीन जो हमारी फ्लीट में ऐड होने वाली है वो डील भी काफी सिग्निफिकेंट है दोस्तों। और हमारे आज की वीडियो में हम इस डील के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में और इन सारे हथियारों को कैसे इस्तेमाल होगा और उन सबमरीन का असली यूज क्या होगा, उसे हमारी एयरफोर्स नेवी आर्मी पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे हमारा देश एक इकोनॉमिकली और पावरफुल सुपर पावर बन जाएगा, वो सब बताएंगे आज की वीडियो में। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी सच्चे भारतीय तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत मतलब जरूर लिख दे और दोस्तों नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है इन सबमरीन को लेके दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री जी के फ्रांस के दौरे के और उनकी दोस्ती के बारे में खूब बात हो रही है क्योंकि यही पे इसको लेके एक MOU साइन किया गया था जिसमें फ्रांस की इन स्कॉर्पियन सबमरीन को भारत की मैदेडोन डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जाना नेवी ने इन्हें काफी पहले ऑर्डर कर दिया था दोस्तों, लेकिन कई कारणों की वजह से ये डिले हो गई थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब भारत को ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन चाहिए। दोस्तों इससे पहले भी भारत ने फ्रांस के साथ 6 सबमरीन के लिए साइन की थी एक डील, इसमें से आखिरी सबमरीन अभी कुछ वक्त पहले ही डिलीवर हुई थी दोस्तों। इसके बाद प्लान ये था दोस्तों कि 6 और स्कॉर्पियन सबमरीन का ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन ये सबमरीन नेक्स्ट जनरेशन वाली सबमरीन हैं। ये सबमरीन प्रोजेक्ट 75I या फिर P75I के जरिए ऑर्डर की जानी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो रहा था। इसमें हमारी और फ्रांस की राय ये थी कि जब तक उन सबमरीन पे कोई डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक 3 इसी तरह की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील्स को भी और ऑर्डर कर लिया जाए और वही MOU इस बार साइन किया गया था। अगर इंडियन नेवी में हम सबमरीन की बात करें तो पहले हमारा फोकस सबमरीन पे नहीं था, देश की आजादी के समय यूके के ऊपर भारत का कुछ कर्जा था जिसे चुकाने के लिए यूके ने भारत के साथ कई सारे डिफेंस डील्स को साइन किया था। तभी भारत के पास उसका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत आया था। जी हाँ दोस्तों इसी समय हमारे पास कुछ सेंचुरियन टैंक और हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट भी आए थे, लेकिन हमने कोई सबमरीन नहीं खरीदी थी। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें क्योंकि वो शुरू से ही अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए उनके पास सबमरीन थी। 1965 की युद्ध तक भी हमारे पास कोई सबमरीन नहीं थी दोस्तों और इस समय पाकिस्तान के PNS गाजी भारत के द्वारका तक पहुंच गई थी और उसने कई सारी बमबारी भी की थी और ये अटैक इंडियन नेवी के लिए एक जख्म बन गया था, इसे बुलाया नहीं जा सकता था दोस्तों। और 1967 में जब भारत और सोवियत यूनियन के रिश्ते अच्छे हो रहे थे तब हमने सोवियत से पहली सबमरीन खरीदी जो कि एक सोवियत फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन थी। ये काफी बड़ी और साइलेंट सबमरीन थी दोस्तों, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी और इस समय भारत के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। 1967 से 1971 के बीच ऐसी कई सारी सबमरीन हमने खरीदी और उन्हें कलवरी क्लास सबमरीन के नाम से जाने लगा। इन सबमरीन में दोस्तों INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS खुरसुरा जैसे सबमरीन शामिल थी। 1971 के जंग में भारत ने पहली बार सबमरीन का इस्तेमाल किया, लेकिन इस समय सबमरीन दूसरी सबमरीन से लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करी जाती थी बल्कि इनका काम अलग होता था। जैसे INS करंज जिसे कमांडर PS शेखावत की लीडरशिप में रखा गया था वो कराची के पास स्टेशन की गई थी, जिस वजह से पाकिस्तानी नेवी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि उन्हें डर था कि सबमरीन नीचे से हमला ना कर दे और एयरफोर्स ऊपर से हमला करिए सबमरीन नीचे से हमला करिए ध्वस्त कर देंगे दोस्तों और कोई बड़ा डैमेज ना कर दे कराची के ऊपर। इसके बाद राजीव गांधी का समय आया और तब भारत ने रूस के इलाहाबाद की देशों के साथ भी हथियार खरीदने शुरू करे और इसी समय हमारे पास SSK सबमरीन टू सबमरीन किलर्स आनी शुरू हो गई थी। ये जर्मन मेड टाइप 209 सबमरीन थे दोस्तों जिन्हें इंडियन नेवी में शिशुमार क्लास सबमरीन के नाम से जाने लगा। इस क्लास की 4 सबमरीन हमारे पास आई थी दोस्तों जो अभी भी सर्विस में है और प्लान ये था कि ऐसे 2 सबमरीन भारत में भी बिल्ड की जाएंगे, लेकिन ये प्लान आगे बढ़ नहीं पाया बाद में। इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय आया तब उन्होंने 24 नई सबमरीन को बिल्ड करने का प्लान तैयार किया जो कि अगले सालों में यानी कि 2030 तक बनने जा रही थी, लेकिन फिर 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें थोड़े से चेंज कर दिए थे। मोदी सरकार ने 24 कन्वेंशनल सबमरीन को ऑर्डर करने की बजाय 18 कन्वेंशनल सबमरीन का प्लान बनाया और 6 SSBN सबमरीन को इसमें जोड़ दिया।
SSBN submarines, न्यूक्लियर पावर submarines को कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकती है। तो दोस्तों इस 18+6 के नए प्लान को अप्रूव कर दिया गया और उसके बाद संगवारी का प्रोजेक्ट के नाम पे इस पे काम चल रहा है। इस समय अगर हम इंडियन नेवी की बात करें और टोटल सबमरीन्स की फ्लीट की बात करें तो इसमें 18 सबमरीन शामिल हैं दोस्तों, जिसमें से दो हमारी SSBN सबमरीन्स हैं जिन्हें INS अरिहंत और INS अरिघाट कहा जाता है। इसके बाद जो 16 सबमरीन बचती हैं उसमें से 6 सबमरीन हमारे पास स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन हैं जिन्हें हम कलवरी क्लास बुलाते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 शिशुमार क्लास हैं जो कि राजीव गांधी के समय पे ली गई थी, और टाइप 209 सबमरीन हैं। इन 4 सबमरीन को INS शिशुमार, INS संकोच, INS शालकी और INS संकुल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो बाकी सबमरीन हमारे पास है वो पुरानी सोवियत मेड किलो क्लास सबमरीन है जिन्हें अब हम सिंधु घोष क्लास भी कहते हैं। अब इंडियन नेवी के पास एक और क्लास की सबमरीन है जिस वजह से पिछले साल INS सिंधु ध्वज नाम की सबमरीन को पिछले साल डीकमीशन कर दिया गया और INS सिंधुवीर को हमने 2020 म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा एक INS सिंधु रक्षक नाम की किलो क्लास सबमरीन भी हमारे पास थी जो कि 2013 में ही एक एक्सीडेंट के चलते डूब गई थी। बाकी किलो क्लास सबमरीन अभी भी सर्विस में है दोस्तों, लेकिन इन्हें बार बार रूस भेजना पड़ता है ताकि इनकी मेंटेनेंस की जा सके और साथ ही इन्हें आज के समय में अपग्रेड किया जा सके। इन्हें सबमरीन को रिप्लेस करने के लिए ही हमने फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को खरीदना शुरू किया था। अगर आप प्रोजेक्ट 75i की प्रोग्रेस को देखें तो अभी भी हमें 5 से 6 साल और लगेंगे नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन को बिल्ड करने में, और तब तक ये 3 नए सबमरीन जिस पे MOU साइन हुआ है उन्हें यूज किया जाएगा। और इन स्कॉर्पियन सबमरीन की बात की जाए तो इनका नाम काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे स्कॉर्पियन का मतलब है बिच्छू नहीं है दोस्तों, यह स्कॉर्पियन एक फिश है जो कि समुद्र तल पे घंटों तक बिना नजर आए रह सकती है और साथ ही उसमें जहर भी होता है। इंडियन नेवी अपनी सबमरीन का नाम किसी न किसी एक्यूरेट एनिमल के नाम पर ही रखते हैं, इसलिए ये स्कॉर्पियन बिच्छू वाला नहीं है बल्कि ये वो मछली है जो कि अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेके छुप जाती है नीचे समुद्र में आके। और सबमरीन की बात की जाए तो उनमें बिना नॉइज किए जाता है, उनमें कैपेबिलिटीज है ताकि दुश्मनों की नजर से बच के रडार में आए बिना डिटेक्ट किए बिना चुपचाप अपना काम करके निकल जाए। इसमें इसके अलावा इसमें लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉरिडोज और एंटी शिप मिसाइल्स दोनों ही तरह के वेपन्स मौजूद हैं दोस्तों, और इसमें सोलर कैपेबिलिटीज भी सबसे लेटेस्ट है जो कि समुद्र के अंदर एक बीस्ट बना देता है। कैसे लगी आपको वीडियो, धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए दोस्तों। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर कमेंट में जाएं जब आप जरूर लिखना। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी तो वीडियो को देखते रहें हमारी, और हम हर रोज आपके लिए नई वीडियोस लेके आते हैं ताकि आपको इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी के बारे में, देश के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में सारी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।